मेरे फ्रेंड्स, आपको नीलम के बारे में आज जानकारी देने वाला हूं कि किस प्रकार से आप ओरिजिनल नीलम को पहचान सकते हैं और एक अच्छा नीलम लेकर के सुख की अनुभूति कर सकते हैं, लाभ की अनुभूति कर सकते हैं। लेकिन बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट द प्रेस बेल आइकन। तो मेरे दोस्तों, हम बात कर रहे हैं नीलम की। नीलम किस प्रकार से जाने की ये ओरिजिनल है या नहीं है, तो आपको मैं बता देना चाहता हूं कि नीलम का सबसे बड़ा पॉइंट है कि नीलम को यदि आप हाथ में रखेंगे चेक करने के लिए, नीलम जैसे कि एक बहुत पावरफुल चीज है। ये जो ब्लू सफायर इसे कहते हैं इंग्लिश में, और ये ब्लू सफायर जो है बहुत ही हार्ड नेचर का होता है और जिसको सूट करता है उसको बहुत ही शुभ फल प्रदान करने वाला होता है। यानी कि शनि का जो ये स्टोन है नीलम, इसको पहनने मात्र से यानी कि कुछ देर हाथ में रखने से ही रिजल्ट मिलता है। तो ये स्टोन बहुत जल्दी फास्ट जो है अपना असर दिखाता है। अब ये स्टोन को यदि आप हाथ में रखेंगे और थोड़ी देर के लिए आंख बंद करके इसका ध्यान करेंगे, तो निश्चित रूप से आपको जो ये सेकेंडों में जो है या मिनटों में जो है आपको कुछ ना कुछ इंडिकेट करेगा, और इंडिकेट में दिया गया जो इसका रिप्लाई है वो आपके लिए अच्छा हो सकता है तो अच्छा समझिए, और बुरा किसी तरीके से भी कर सकता है। जैसे बॉडी में कोई प्रॉब्लम दे देगा या कोई खराब सूचना आपको उसी समय मिलेगी, या इस तरीके के जो यानी कि आपको इंडिकेट करता है। तो ये स्टोन सबसे ज्यादा डेंजरस और सबसे अच्छा फल देने वाला भी होता है, इसीलिए बिना ज्योतिषी की परामर्श यानी कि कंसल्ट के बिना जो है आप जो है स्टोन को मत पहनिएगा, तो तभी आपको ये स्टोन फल दे सकता है अच्छा। दूसरा, इसको सही तरीके से जांचने का उपाय है कि यदि आप इसे नीलम को, ओरिजिनल नीलम को यदि आप दूध के गिलास में डाल देंगे, तो वो दूध के ऊपर यानी दूध भी आपको हल्के नीले कलर का दिखाई देगा। तीसरा पॉइंट है इसका कि यदि आप जल से भरे ग्लास में अगर आप इसे डाल देंगे, तो पानी के ऊपर आपको जो है हल्की ब्लू कलर की तरंगे दिखाई देंगी, यदि वो ओरिजिनल होगा तो, नहीं तो नहीं। अब ये स्टोन्स जो है कौन लोग पहन सकते हैं? नीलम को धारण वह लोग करें जो लोहे से रिलेटेड काम करते हो, इस्पात से संबंधित जिनका काम हो, चाहे वो गाड़ी का हो, फैक्ट्री का हो, कंपनी का हो, या और भी कोई ऑटो पार्ट्स वगैरह वगैरह, तो वो कर सकते हैं। जो सिविल इंजीनियर्स है वो इसे पहन सकते हैं, इंजीनियर्स इसे पहन सकते हैं, मैकेनिकल इंजीनियर्स। और सबसे अच्छा ये स्टोन उनको फल देता है जो न्याय का काम करते हैं, यानी कि जो कोर्ट कचहरी में जो लोग काम करते हैं, चाहे वो जज हो या फिर वकील हो या किसी भी क्षेत्र का एडवोकेट हो, वो जो है इसे धारण कर सकते हैं। जो जस्टिस देने वाले जो लोग होते हैं वो लोग इसे धारण कर सकते हैं, और चाहे वो किसी भी फील्ड में किसी भी डिपार्टमेंट में लॉयर हो या फिर कोई जज हो, पुलिस के लिए बहुत अच्छा रहता है। और किसी भी तरह से यदि आप कोई न्याय का कार्य करते हैं, न्याय देने का कार्य करते हैं, या फिर किसी डिसीजन तक पहुंचने का कार्य आपका है, तो आपके लिए नीलम बहुत अच्छा रहता है। जिनकी राशि मकर और कुंभ है, कुंभ राशि मकर राशि वाले इसे निसंकोच धारण कर सकते हैं। साथ ही साथ में वो लोग धारण कर सकते हैं जिनका लग्न का मालिक शनि हो, या फिर 11th हाउस का, 9th हाउस का, 2nd हाउस का, या फिर 4th हाउस का मालिक जिनका है शनि, यानी कि वहां मकर या कुंभ राशि कोई ना कोई पड़ती हो, कोई ना कोई घर में मकर या कुंभ राशि ही पड़ती हो, तो वो लोग जो है इसे धारण कर सकते हैं नीलम को। व्हाइट गोल्ड, सिल्वर, इन दो चीजों में जो है आप नीलम को धारण कर सकते हैं। नीलम चाहे कितना भी महंगा हो, लेकिन नीलम को व्हाइट गोल्ड या फिर सिल्वर में ही पहना जाता है, तभी ये अपने पूरे गुण जो है
दिखाता है। फॉर मोर इंफॉर्मेशन यू कैन कमेंट इन कमेंट सेक्शन, और मैं आपके सवालों का रिप्लाई जरूर दूंगा। तो कभी भी कोई स्टोन पहने मित्रों, और यदि आपको कोई कंसल्टेंसी की आवश्यकता है तो आप मुझसे कंसल्टेंसी ले सकते हैं, और जो है मुझे कमेंट कर सकते हैं या मेरे नंबरों पे कॉल कर सकते हैं और जान सकते हैं कि आपके लिए कौन सा स्टोन अच्छा रहने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और स्टोन के साथ।